हेलो सजिटेरियस, सो दिस इज़ योर मे रीडिंग। देखते हैं कि आपकी जो मे मंथ में क्या क्या चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, आपका मंथ कैसा होगा, आपकी जो लव लाइफ है उसमें क्या कुछ अच्छा हो सकता है, और जो आपका फाइनेंस है उसमें कब तक स्टेबिलिटी आएगी। सो हम ये देखेंगे इन कार्ड से। और मैं बता दूं कि मैंने कुछ कार्ड्स अपने आप बनाए हैं, ये भगवद गीता के सार हैं, जो भी कृष्ण भगवान हमको मैसेज देना चाहते हैं, जो भी लर्निंग है वो है ये कार्ड्स। सो मैं इनको भी ड्रॉ करूँगी, इनसे जो भी मैसेज आएगा अगर आप इनको मे में फॉलो करेंगे, अगर आपने उनके अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन जो इसमें आए वो आपने फॉलो किए, तो आपके लिए एक अचीवमेंटफुल मंथ रहने वाला है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ योर लव कार्ड। एंड आपका करियर कैसा होगा सजिटेरियस, आपके करियर में क्या चेंजेस आ सकते हैं मे में, देख लेते हैं हम विद दिस कार्ड। और आपका जो फाइनेंस है उसमें आपकी जो स्टेबिलिटी कब आएगी, और जो आपका फाइनेंस है उसमें कब ग्रोथ होगी, तो दिस इज़ फॉर योर फाइनेंस। सो लेट्स गेट टू द रीडिंग्स। सो फॉर योर लव लाइफ इज द टावर, जस्टिस फॉर करियर, एस ऑफ सॉर्ड फॉर फाइनेंस। ओके सो ओके सो एज पर दीज कार्ड्स द टावर, मैं बताना चाहूँगी कि आपकी जो लव लाइफ है उसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड और ऐसे चेंजेस सरप्राइजिंग जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वो चेंजेस आपके मे मंथ में आएंगे। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे कि एज पर द टावर मैं जो फील कर रही हूँ वो ऐसा है कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी रिगार्डिंग योर लाइफ पार्टनर। वो ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके जो पार्टनर हैं उनकी जो तरफ से जो आपकी फीलिंग्स हैं उनको आपको क्लियर हो जाएगा कि दीज आर ट्रू और नॉट। क्योंकि एज पर द टावर ये एक आपको एक सडन आपके सामने बहुत सारी चीज़ें ओपन होंगी मे में, बहुत कुछ आपको ऐसा पता चलेगा कि जो आपको नहीं पता था, जो आपके से छुपाया गया हुआ होगा ऐसी चीज़ें, या हो सकता है कि आपको उनके जो पास्ट लाइफ है उसके बारे में पता चले, या हो सकता है कि आपके जो उनके जो और अफेयर्स हैं उसके बारे में पता चले, हो सकता है कि आपका और उनके रिलेशनशिप में बहुत कुछ ऐसा आने वाला हो कि एक नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाए। वैसे एज पर द टावर मैं आपको क्लियर करूँगी कि ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव के अप्रोच के साथ नहीं आता है कार्ड। अगर आई एम रियली सॉरी द टावर कम्स टू यू, आपके लिए टावर आया है, लेकिन इस कार्ड से बहुत ज़्यादा हम पॉजिटिव चीज़ें ले सकते हैं। जितनी जल्दी हमको चीज़ें पता चलती हैं क्या चीज़ सच है क्या चीज़ ट्रुथ है, हम उतना ही ज़्यादा उन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं और उन चीज़ों से आगे बढ़ते हैं। अगर आपके आप एक फेक रिलेशनशिप में अगर चल रहे हैं तो बेटर है कि आप उसमें जल्दी से जल्दी उससे बाहर निकलें, या फिर जल्दी से जल्दी आपको सच पता चले। तो हो सकता है कि बहुत सारी आपको सरप्राइजिंग चीज़ें, ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें पता चलें जो आपको नहीं पता थी। वो इसका डजंट मीन कि आपका ब्रेकअप होने वाला है, बट दिस मीन कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। और ब्रेकअप यहाँ पर अगर आप मैरिड हैं तो भी कुछ चीज़ें ऐसी जो अनरिवील थी, मतलब कि जो आप उनके पास्ट से रिलेटेड थी या आपके पास्ट से रिलेटेड थी, वो आपके अब प्रेजेंट में मे में आपके सामने आएंगी। तो ये एक ऐसा कार्ड है। और इसके साथ साथ आपके जो थर्ड पर्सन के भी इन्वॉल्वमेंट मैं इसमें देख रही हूँ, हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला हो जो आपके पास्ट में था और वो अब आपके लाइफ में वापस आने वाला है। सो वो भी हो सकता है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग जाने वाला है आपका मे मंथ। उसमें आप इसमें वरी मत होइए कि पता नहीं क्या होने वाला है। दिस इज़ समथिंग कि आपके सामने सब चीज़ें जो रियल हैं वो आपके सामने ओपन होंगी। सो जो भी कोई एक्सटर्नल अफेयर है या फिर समथिंग जो उन्होंने छुपाया हुआ है आपसे, वो चीज़ें आपको मे में पता चलेंगी। सो दिस इज़ फॉर योर लव लाइफ। एंड एज पर द कार्ड करियर जस्टिस, तो जैसे मैंने आपको बताया वो आपके चैनल हो रहे हैं, कार्ड्स एक साथ कंबाइन हो रहे हैं कि आपको चीज़ें क्लियर होंगी, बहुत ज़्यादा फेयर चीज़ें पता चलेंगी जो सच चीज़ें। सेम आपके करियर में भी वही कार्ड आया है जस्टिस का, तो आपको जो आपके जो ऑनेस्टी है जो ट्रुथ है वो चीज़ आपको पता चलेंगी। और इसके साथ साथ अगर
कोई आपका जो वर्क है उसके अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मिलने वाला है, आप एक रिप्रेजेंटेटिव बनने वाले हैं अपने करियर में। हो सकता है कि आपको प्रमोशन मिले, या फिर हो सकता है कि आपको एक लीड, कोई ना कोई आपको ऐसी ऐसी एक पोजीशन मिल जाए कि जहाँ पे एक लीडर शो हो रहे होंगे, और वहाँ पे आपकी ऑनेस्टी और आपके जो वर्क को लेके जो आपका पैशन है वो सब आप शो करना होगा, वो आपका शो होगा। क्योंकि जितना ज़्यादा हम वर्क के साथ अपने ऑनेस्ट रहते हैं या फिर बिल्कुल लिबरल रहते हैं, वैसे ही हमारे को अच्छा वर्क में हमको वापस मिलता है। सो यहाँ पे भी आपको जस्टिस मिलेगा अपने काम को लेके, और आपने जो पहले अपने जो भी कोई करियर में भी या प्रोफेशनल में जो भी स्किल्स आपने जो शार्पन किए या फिर जो भी आपके अंदर स्किल्स हैं, उनका आपको इस मे में आपको उनका रिजल्ट मिलेगा। मतलब आपको मे में उनका साथ प्रॉफिट मिलेगा आपको उन चीज़ों से। तो ये कार्ड है जो ये रिवील कर रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लिबरल और बहुत ही ज़्यादा फेयर रहने वाले पर्सन हैं। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो आपका क्लियरली आपके सामने आ जाएगा, और आपको सही और सही डिसीज़न ही लेना है। मतलब आपको ऑनेस्टी से अपने काम को करना है। और एज़ पर द एस ऑफ सॉर्ड्स आपका जो फाइनेंस में आया है, तो मैं यहाँ बता दूँ आपको कि आपके पास बहुत ज़्यादा एक न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी जो आपको फाइनेंस में काफ़ी प्रॉफिट दे सकती है। न्यू अपॉर्चुनिटी जो आपकी क्रिएट होगी वो आपके आइडियाज से क्रिएट होगी। ये सॉर्ड हमारे ब्रेन और अपने माइंड में जो हमारी चीज़ें चलती हैं उसको सिंबलाइज करता है। सो कुछ भी जो फाइनेंस में आपको जो अपॉर्चुनिटी आने वाली है वो आपका कोई आइडिया हो सकता है जो आप आगे यूटिलाइज़ करें। जैसे मैंने बताया कि आपको जो पोजीशन मिलेगी एक लीडर की पोजीशन मिल सकती है, सो आप उन आइडियाज़ को यूटिलाइज़ करें और आपको फाइनेंशियली ग्रोथ या फाइनेंशियली प्रॉफिट आपको हो सकता है उसमें। सो ये एक कैसा रीडिंग है आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग आया है। सो एज पर ऑल कार्ड्स मैं बताना चाहूँगी कि टावर आपकी आपके सामने सच सामने आएगा, आपके साथ जस्टिस होगा, आप जो काम करेंगे आपको उसके अंदर आपकी मेहनत का फल मिलेगा, आपको अपने हार्डवर्क का और अपने पैशन का आपको रिजल्ट मिलेगा, और जो आपकी जो स्किल्स हैं उनसे आपको एक नया आइडिया जो आप अप्लाई करेंगे उनसे आपके लिए कोई फाइनेंशियली गेन होगा। और ये जो एक अपॉर्चुनिटीज़ जो आएंगी आपके लिए वो आपको काफ़ी ग्रोथ करेंगी आपकी लाइफ में। एज ए एक एस ऑफ सॉर्ड्स है, एक उम्मीद है, उम्मीद का मैसेज है कि एक आपके पास एक होप आने वाली है फाइनेंस को लेके। सो देख लेते हैं कि भगवद गीता से आपके लिए क्या मैसेज है, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आप उसको मे में फॉलो करें और आपकी जो लाइफ में जो चीज़ें जो उथल पुथल हो रही हैं वो चीज़ें आपकी बैलेंस हो जाएंगी। सो मैं एक कार्ड ड्रॉ कर लेती हूँ इनमें से कोई भी कार्ड, और आपके लिए देखते हैं कि कौन सा कार्ड आया है। ये कार्ड आपके लिए आया है चेंज। सो मैं इसको आपके लिए रीड कर देती हूँ। चेंज इज़ द लॉ ऑफ द यूनिवर्स, यू कैन बी अ मिलेनियर और अ बैगर इन अ इंस्टेंट। ओके, दिस इज़ समथिंग जो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा देती हूँ कि आपको चेंज तो नेचर का लॉ है, तो चेंज तो आएगा ही। जैसे कि टार का भी से डायरेक्टली एक ही मैसेज होता है कि चेंज, जो भी अभी जो चीज़ें चल रही हैं वो चेंज होंगी, वो चीज़ें बदलेंगी। सो सेम आपके साथ, चेंज इज़ द लॉ ऑफ द यूनिवर्स, यू कैन बी मिलेनियर और बैगर इन अ इंस्टेंट। तो आपको जो चेंजेस आएंगे उनसे या आप एकदम मिलेनियर बन सकते हैं, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा चेंजेस से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव और एक अलग ही आपको लाइफ में एक अलग एक्सपीरियंस फील करने को मिलेगा जो आपको अभी नहीं मिल रहा है। क्योंकि अभी जो एक तरीके से जो आपकी लाइफ चल रही है उसमें चेंजेस आने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जितने ज़्यादा हमारे पास चेंजेस आते हैं, जैसे जैसे हमारे पास अनकंफर्टेबल सिचुएशंस आती हैं या ऐसे सरकमस्टेंसेस आते हैं, उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो आपकी भी जो एक ये जो लाइफ चल रही है इसमें चेंजेस आएंगे और उनसे आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट आप गेन कर सकते हैं, उसमें फाइनेंस गेन कर सकते हैं। और आपके जैसे करियर में काफ़ी चेंजेस आने वाले हैं, आपको एक लीडर की पोस्ट मिलने वाली है जिसमें आपको बहुत ऑनेस्ट रहना है, बायसिंग नहीं करना है, उसमें आपको पार्शलिटी नहीं करनी है, आपको बहुत ऑनेस्टी से उस रोल को, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को
निभाना है। और द टावर, तो आपका जो चेंज है वो तो आना है, वो तो चेंज आएगा ही, और उससे जो आपको जो नई चीज़ सीखने को मिलेगी वो चीज़ आपकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग होगी। सो आई होप गाइज आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, आपको रेजोनेट करी होगी। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए जो भी आपको सरप्राइजिंग लगा, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको ऐसी और गाइडेंस चाहिए और रीडिंग चाहिए तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय।